चलिए सबके सब आ गए और 10 मिनट पहले कीजिए। कुछ नहीं, आदत की चीजें होती है, जैसा आदत लगाइएगा वैसा होगा। अगर ये आदत आप लोग को 6 बजे का लगाया तो 6 बजे पहुंचिएगा, अगर ये आदत लग जाएगी 6:30 का तो 6:30 में आइएगा। तो थोड़ी सी आदत में सुधार करिएगा तो काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज एक ऐसे चैप्टर का आप शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पे पूरी अंकगणित बनती है। अंकगणित ही नहीं, एडवांस में भी आपका 60% आपको रेशियो ही काम करेगा, चाहे वो अलजबरा हो या ट्रिगो हो या ज्योमेट्री हो, है ना। त्रिकोणमिति को तो नाम ही सुने होंगे, तो लिखा जाता होगा, है ना, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जहां लिखा गया होगा साइन कॉस टैन, है ना, सेक कोसेक कॉट, ये सारे के सारे क्या है, तीन किसी दो भुजा का रेशियो ही है। जैसे साइन लिखते होंगे तो P/H मतलब लंब और कर्ण का रेशियो ही है। तो आपका त्रिकोणमिति तो पूरा का पूरा विद्यार्थी जी रेशियो है, तो पहले से ही आपको पता है। और अंकगणित भी पूरा का पूरा रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, पूरे मैथ को बनाने के आज तक दो ही तरीके निकला है। या तो आप लोग जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते थे, लिख लेते थे माना कि क्रयमूल एक्स है, माना कि संख्या एक्स है, तो जब एक्स मान लेते हैं तो एक समीकरण डेवलप करते हैं और लास्ट में उसे हल करते हैं, हाँ या ना। या दो दो कंडीशन रहता है तो दो समीकरण डेवलप करते हैं, उसके बाद उन दोनों से हल कर करके हम लोग आंसर देते हैं। तो मैंने कहा पूरे अंकगणित हल करने की मात्र दो और केवल दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि समीकरण डेवलप कर लो, इक्वेशन डेवलप कर लो, या तो फिर रेशियो डेवलप कर लो। तो या तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 9th 10th में पढ़े थे कि समीकरण डेवलप करते थे उसके सहारे बनाएंगे, या आप लोग क्या करेंगे, रेशियो के सहारे बनाएंगे। लेकिन दोनों में एक खास अंतर क्या है, जब समीकरण डेवलप करते हैं तो आपको टाइम लग जाता है, टाइम के साथ साथ आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, कि जब तक ना लिखेंगे फिर सॉल्व ना करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो समीकरण में परेशानी क्या होता है, 9th 10th तक सही था, जब मैथ आप लिख बना रहे थे तो सही था, लेकिन मैथ को अप्लाई करना है तो वहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपकी परीक्षा आज के डेट में जो होने वाला है, जितने भी आपकी परीक्षा होंगे उसमें एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 सेकेंड का टाइम होता है। जबकि आप 9th 10th तक पढ़ा करते थे तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता था विद्यार्थी जी 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। तो 3 मिनट से 5 मिनट तक था, और वहां क्या था, कितना अच्छा से लिख सकते हैं, है ना, कितने अच्छे से लिख सकते हैं। हम लोग बोलते भी है, जब डिस्क्रिप्टिव बातें होती है, जब परीक्षा देना होता है, जब लिखने की बातें होती है, तो हम लोग कहते हैं कि आप ये सोचा करो कि कॉपी चेक करने वाला कुछ नहीं जानता है, इस रूप में लिखो कि हर एक चीज उधर दिखाई दे दे और नंबर पूरा मिले। जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको ये सोच के जानना होगा कि आगे जो बैठा हुआ बंदा बहुत तेज है, इसलिए जितना पूछे उतना ही का जवाब दो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाइएगा तो आपको फंसा लेगा। तो परीक्षा और इंटरव्यू में यही अंतर है। लेकिन आज के डेट की जो परीक्षा है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, लिखना है ना, आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो टिक आउट करने में आपको 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम देगा ही नहीं। तो मैंने कहा जो 9th 10th में पढ़े थे वो तरीके आज के डेट में फेलुअर हो जाएंगे, है ना, जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज के डेट में वो फेलुअर इसलिए हो गए कि आपका देखिएगा क्रिकेट का टेस्ट मैच और 20-20 मैच दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो उसी तरह से विद्यार्थी जी 10th वाली मैथ, है ना, और हमारे आज की मैथ में वही अंतर है। वो जो खेलते थे आप टेस्ट मैच की तरह खेलते थे, है ना, और आज जो खेल रहे हैं आपको 20-20 की तरह खेलना होगा। कम बॉली खेलिए लेकिन रन रेट मेंटेन करके चले आइए जी। तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास 100 रहेंगे और टाइम आपका 1 घंटा रहता है, 100 क्वेश्चन आपके 1 घंटे के टाइम देने वाले हैं, तो आप सोच लीजिएगा 1 क्वेश्चन पर कितने टाइम मिलते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आपको हर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में बनाना है, तो कौन सी तरीका होगा जिसमें लिखना ना पड़े।
वही तरीका ना होगा जिसमें लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आपको ना लिखने की जरूरत पड़ेगा। एक ही तरीका है, वो है रेशियो की तरीके। जब मैं पहली बार यहाँ आया था पढ़ाने के लिए इस लाइन में, जब पढ़ाते थे तो बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलता था, अरे यार वो तो आंसर वह खाली ला देता है, ये मैथ हुआ है तो बस देखता है आंसर ला देता है। तो आज का जमाना, अब आज के डेट में सारे लोग बोलते नहीं यही तरीका सही है, क्योंकि आंसर ही तो लाना है। तो केवल आंसर लाने की तरीके है, मतलब दिमाग में सारे कैलकुलेशन करने की तरीके है जो आपको रेशियो पैदा करता है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, और बिल्कुल आसान सा चीजें हैं। आप मैथ पहले कितना जानते थे उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर आप लोग 1 से 20 तक का टेबल जानते हैं तो आप पूरी मैथ आपसे बन जाएगा। मेन ध्यान दीजिएगा, जो आपकी मेहनत करने वाली थी वो नंबर सिस्टम आपने मेहनत कर लिया। अब आपको ध्यान दीजिए, मैंने कहा रेशियो, पूरे ध्यान दीजिए, मैथ को 3 भागों में बांट लिए, नंबर सिस्टम, रेशियो और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का मतलब होता है अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका एडवांस मैथ में आ गया। बाकी जितने भी है, चाहे वो DI हो, है ना, वो भी आपका रेशियो ही होता है। तो नंबर सिस्टम, रेशियो और एडवांस मैथ। तो आज के डेट में जो आप पढ़ेंगे, पूरी अंकगणित जो बची हुई है DI तक, वो पूरा का पूरा रेशियो बेस्ड पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस रेशियो को अच्छी तरीके से समझ ले, है ना, कि रेशियो है क्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 दिन आपको हो सकता है बोर लगे, क्योंकि शुरुआती चीजें अच्छी नहीं लगती। जब तक मैथ का मतलब, है ना, बेसिक बातें करने लगो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए कहो बच्चे को मन लगता है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए कह देंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन जहां आपको दिक्कत होगा, जहां आप फंसने लगेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं है तो गड़बड़ होगा। जो भी चैप्टर आज के डेट में ध्यान रखिएगा, जो भी चैप्टर आपको खराब लगे या जिस चैप्टर को लगता है कि हमें पढ़ाना है इस चैप्टर को, तो उस चैप्टर को वहां से स्टार्ट करो जो आपकी लाइफ में पहली बार कब मिला था। मान लीजिए परसेंटेज हमको अच्छी तरीके से पढ़ाना है, तो परसेंटेज हम उस बुक को उल्टेंगे कि पूरे जो हमारी स्कूलिंग थी उसमें परसेंटेज किस क्लास में आई थी, तो परसेंटेज बोलिएगा क्लास 5 में आया था। तो क्लास 5 की मैथ से उठा के चलो, आपका बिल्कुल हो सकता है 1 दिन ज्यादा लगेगा, लेकिन बेस ऐसा बना देगा कि आप फिर फंसने उसने वाले नहीं है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, परसेंटेज, वो सबसे बड़ी बुक ले लेंगे, परसेंटेज भाई तो आपको परसेंटेज सिखाएगा नहीं जो आपने क्लास 5 में सीखा था। तो मैंने आप लोगों से कहा, मैं आपको 0 लेवल, यानी रेशियो कहने का मतलब, अगर क्लास 3 में आया है तो मैं क्लास 3 के लेवल से लेकर चलूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपकी दिमाग है क्लास 3 वाले का दिमाग और आज के आपके दिमाग में एक अंतर है। क्या अंतर है, वहां सोचने की शक्ति बहुत कम थी, वहां रटने की शक्ति थी, यहाँ रटने की शक्ति कम है, यहाँ सोचने की शक्ति है। विश्वास कीजिए, 2 साल का बच्चा भी रट जाता है, उसे लिखने नहीं आता है, लेकिन वो रट जाता है ना, इतना सारी चीजें A से Z तक, A से 10 तक, ये सारे रटा हुआ रहता है, उसे रटने में बहुत आसान लगता है। लेकिन आज आपको रटना नहीं, बल्कि क्या करना है, समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी बेसिक बातें करता हूं। सबसे पहले हम लोग अनुपात का परिभाषा लिखते हैं। अनुपात हम लोग कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लोग इसको समझते नहीं है। तो अनुपात की परिभाषा, मैं उस परिभाषा से काम चलाऊंगा जिस परिभाषा से ही सारी अनुपात के नियम निकलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अनुपात का परिभाषा लिखा जाए, लिखिएगा अनुपात, अनुपात 2 समान, अनुपात 2 समान राशियों, 2 समान राशियों के बीच का अनुपात, 2 समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तथा यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि
पहले राशि, पहले राशि दूसरे राशि का, दूसरे राशि का कितना गुना है? पहले राशि दूसरे राशि का कितना गुना? अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है तथा यह संबंध यह दर्शाता है कि पहले राशि दूसरी राशि का कितना गुना। नियम तो बहुत सारे बच्चे रेशियो पूरा खत्म कर लेते हैं, रेशियो कहते किसको है वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, अनुपात पहला लाइन लिखा हुआ है, दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। दो समान राशि का मतलब होता है विद्यार्थी जी, जिसका यूनिट सेम हो, जिसका यूनिट, जैसे कोई बंदा पूछ दे कि 5 रुपया और 50 पैसा का रेशियो बताइए, 5 रुपया और 50 पैसे का रेशियो बताइए, तो आपका जवाब होगा कि इसका रेशियो तभी निकालेंगे जब दोनों सेम यूनिट में होगा, अर्थात यानी दोनों रुपया में होना चाहिए या दोनों पैसा में होना चाहिए। तो आपको रेशियो निकालने के लिए क्या करिएगा, इसको भी पैसा में बदलिएगा और इसको भी, तो अब आपका रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 10:1, होगा या नहीं होगा? अनुपात जब भी होगा तो किसके बीच होगा, दो समान यूनिट के बीच होगा। अगर कोई कह दे विद्यार्थी जी 5 केजी और 3 मीटर का अनुपात बताइए, तब बोलिएगा 5 केजी और 3 मीटर में रेशियो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि ना तो हम केजी को मीटर में बदल सकते हैं ना तो मीटर को हम, तो रेशियो जब भी होगा तो किसके बीच होगा, दो समान राशि के बीच होगा, है ना। रेशियो जब भी होगा विद्यार्थी जी तो दो समान राशि के बीच होगा, मतलब संबंध का मतलब होता है रिलेशन, संबंध का मतलब होता है, तो रिलेशन जब भी होता है तो आदमी का आदमी के साथ, गाय का गाय के साथ, बैल का, है ना, जानवर बाघ का बाघ के साथ रिलेशन होगा, अर्थात रिलेशन समान जाति के साथ होता है। आदमी का रिलेशन हाथी के साथ नहीं हो सकता है। रिलेशन का मतलब जो हम लोग पढ़े हैं, मम्मी पापा चाचा चाची मौसा मौसी जो भी पढ़े हैं, तो किसके साथ होगा विद्यार्थी जी, तो हाथी का हाथी के साथ ना होगा, मानव का मानव के साथ होगा, राक्षस का राक्षस के साथ होगा, हाँ या ना। तो उसी तरह से यहां भी ध्यान रखिएगा, समान जात का मतलब होता है जिसका यूनिट सेम हो, अर्थात ये रुपया तो ये भी रुपया होना चाहिए, ये पैसा तो ये भी पैसा होना चाहिए। इसका मतलब रेशियो लिखते समय ध्यान रखिएगा कि दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे अगर कोई बंदा पूछ ले, ध्यान दीजिएगा कि कोई बंदा पूछ ले कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का रेशियो बताइए, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का रेशियो बताइए, तो आपको बोलना होगा विद्यार्थी जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यू, तो दोनों अलग अलग यूनिट है, रेशियो निकलने वाला। लेकिन अगर परीक्षा में पूछता है तो लिख देता है कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन के संख्यात्मक मान का अनुपात बताइए। संख्यात्मक मान का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, इसके यूनिट से कोई लेन देन, तब आपका रेशियो निकल जाएगा कि भाई पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², आयतन होता है भाई 4/3πr³, यही ना होता है। अब रेशियो निकालना आसान है, रेशियो निकालना क्यों होता है, यहां पे मैंने लिखने में थोड़ी स्पीड में लिख दिया, यहां क्या होता है क्यों होता है, तो r² से r खत्म हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, r का मान 10 हो जाएगा, यानी आंसर कितना लिख लीजिएगा 3:10, लिखाएगा या नहीं लिखाएगा।
तो मैंने सबसे पहला जवाब दिया विद्यार्थी जी कि अनुपात जब भी होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाएगा, अर्थात अनुपात लिखते समय दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए पहली लाइन तो समझ में आ गया। अब कह रहा है यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, सीखिएगा समझिएगा। मैंने कहा संबंध कई एक तरीके के होता है, जैसे बोलता है राहुल श्याम का पिता है, तो पिता मतलब समझ जाते हैं कि उसका इन दोनों में क्या संबंध है ना। मैंने कहा राहुल सोहन का दादा है, इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि रिलेशन किस टाइप का है। उसी तरह से ये ध्यान दीजिए, रिलेशन कई एक होते हैं, जिसमें इस रिलेशन की बात करने आ रहा है तो कहता है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, यही दर्शाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। मैंने आपसे लिया 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात बताइए, तो 7 रुपया और 35 रुपये का अनुपात क्या होगा विद्यार्थी जी, तो आपका हो जाएगा 1:5। अब 1:5 को आप 1/5 भी बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब होता है, देखिएगा मैं भी से बोल सकता हूं कि 7 रुपया जो है, 7 रुपया जो है 35 रुपया का, 35 रुपये का 1/5 गुना है, 35 रुपये का 1/5 गुना है। क्या ये बातें सही है, जल्दी से देखिए तो 7 रुपया 35 रुपये का 1/5 गुना है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं इस लाइन से। इसका मतलब मैं समझ गया कि 1:5 का मतलब 1/5 भी होता है। इसका मतलब मैं समझ गया कि दूसरी राशि जो है पहली राशि का 5 गुना है, यानी पहली राशि जो है दूसरी राशि का 1/5। तो रेशियो क्या बतलाने आ रहा है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, यानी 7 रुपया जो है 35 रुपये का 1/5 गुना है। तो रेशियो का परिभाषा बस यही हो गया कि रेशियो जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा, रेशियो जब भी होगा तो। और यह बतलाने क्या आता है, यह संबंध सिर्फ यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 गुना है। क्या आप बोल सकते हैं ऐसा, तो चलिए एग्जाम्पल इसको लिख लें, इस पे कुछ बातें करें। एग्जाम्पल थोड़ा स्पीड में लिख लीजिए। लिखा गया, अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, मैं इसे हटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा इस पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आप लोग परिभाषा से ही निकालते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बातें मैं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होंगे विद्यार्थी जी, टोटल 9 टर्म है, ये 9 टर्म जो होंगे पूरी अंकगणित का काम करेगा, रेशियो का नहीं बल्कि पूरे अंकगणित में। मैंने कहा रेशियो ही पूरा अंकगणित है, यानी इसके 9 पॉइंट से ही पूरे का पूरे कोई भी चैप्टर हल होना है। तो इस 9 पॉइंट को हम बारी बारी से बनाते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा विद्यार्थी जी, ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी प्रकट किया जाता है। क्या इस लाइन से तो सहमत है, इसलिए इसे समझाने की जरूरत है नहीं। ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात कहीं लिखा रहे विद्यार्थी जी 2:3, इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी 2:3, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। 2:3 को हम लोग 2:3 भी लिखा करते हैं जी, सही है।
इस लाइन से कोई दिक्कत, दूसरी लाइन लिखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि यदि प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए एक्स माना जाए, ए एक्स माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय टर्म सेकेंड एवं थर्ड टर्म है ना को हमेशा बी एक्स तथा सी एक्स मानना होगा, बी एक्स तथा सी एक्स मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला पद को अगर ए एक्स माने हैं तो आपकी मजबूरी है दूसरे को बी एक्स और तीसरे को सी एक्स मानना होगा। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें जिसको ख्याल करना है, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। कहीं लिखा हुआ था विद्यार्थी जी दो अनुपात तीन अनुपात सात, अर्थात इसको अगर आप लोग टू एक्स माने हैं तो इसको मानना पड़ेगा थ्री एक्स, इसको मानना पड़ेगा सेवन, इसको अगर हम लोग टू के मान लिए हैं तो इसको मानना पड़ेगा थ्री के, इसको मानना पड़ेगा सेवन के। इसका मतलब हम समझ गए कि सबका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इसको एक्स के गुणज में मानेंगे तो इसको भी एक्स में, इसको भी एक्स में, अगर इसको के मल्टीपल में तो इसको भी के मल्टीपल में, इसको भी। इसका मतलब मैंने कहा विद्यार्थी जी कोई इसे टू बाई बोल रहे तो दूसरे को थ्री बाई और तीसरे को सेवन बाई मानना पड़ेगा, यानी सबको समान राशि के गुणज में मानना पड़ेगा, याद रह जाएंगे। तो अनुपात जब भी आएगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे कि दो अनुपात तीन तो तुरंत मानते होंगे, माना कि पहला पद टू एक्स और दूसरा पद थ्री एक्स, मानते थे कि नहीं। तो अगर कुछ मल्टीपल में मानना हो तो सबको क्या होगा, समान जात के साथ गुना करना है, यानी इसको एक्स के साथ, इसको भी एक्स के साथ, इसको भी, अगर दूसरे को बाई के पहले को बाई से तो दूसरे को भी बाई से, तीसरे को भी, याद रह जाएंगे। चलिए तो एग्जाम्पल इसको भी लिख लीजिएगा, लिखा गया। चलिए तीसरी पॉइंट पे आ रहे हैं विद्यार्थी, हर एक छोटे छोटे पॉइंट है, टोटल नौ पॉइंट है, बस ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है ध्यान देंगे, अनुपात के प्रत्येक पद को, अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, जीरो से गुना नहीं करना। अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना करेंगे आपको कोई इतराज नहीं है, पूरी मैथ में एक ही आपकी मर्जी के काम करने के लिए दिया है, यही एक है कि आप किसी भी संख्या से गुना करिए अनुपात को, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इस मतलब एक ही एक तलवार मिली है, इसी के आधार पर आपकी मर्जी चलानी है, बाकी क्वेश्चन जैसा कहेगा वो करेंगे, अपनी मर्जी की दुकान यही चलेगा कि किसी भी संख्या से गुना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो को छोड़कर। जैसे कहीं लिखा रहे विद्यार्थी जी दो अनुपात तीन, क्या लिखा रहे, और आपकी जरूरत, आपको इसमें तीन से गुना करने की जरूरत हो गई तो आप लिख लीजिएगा छह अनुपात नौ, मान लीजिए इसमें सौ से गुना करने की जरूरत हो गई
तो आप लोग 200 और इसको लिख सकते हैं 300, मतलब प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना करिए, रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जीरो को छोड़कर। तो जब गुना करने की बात कह दिए तो भाग भी दे सकते हैं, गुना भाग तो एक ही चीज है ना। किसी ने कहा 10 से भाग दो तो मैं बोल सकता हूं 1/10 से गुना किया गया है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, कहीं अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको ध्यान दीजिए, पहला काम है सिंपल करना, एकदम कटता है तो 10 से भाग दे दीजिए या 1/10 से गुना करिए, बात तो बराबर है। यानी बोल सकते हैं इसको क्या, यानी आपकी तलवार कहां कितना काम करेगा, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं या तो भाग दे सकते हैं। तब बोलिए भाग लिखा है नहीं, तो गुना का मतलब ही होता है गुना या भाग एक ही चीजें होती है। किसी ने कहा 10 से भाग दो और उसी का दूसरा रूप बोल दिया, किसी ने कहा दिया 1/10 से गुना करो, बात तो मैंने आप लोगों को कहा किसी भी संख्या से गुना या भाग दे दे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जीरो को छोड़ के, याद रह जाएंगे। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, मात्र 9 पॉइंट की बातें करूंगा, 9 पॉइंट को बारी बारी से समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे उतरते हैं। बढ़े आगे, मिटाओ इसे। 4th पॉइंट समझिएगा, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, तो हम सर्वप्रथम उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर लें। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो सबसे पहला काम है उसके हर के एलसीएम से गुना कर लेना। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कहीं रेशियो लिखा रहेगा विद्यार्थी जी 2/3, 4/5 और विद्यार्थी जी 3/1/6 ऐसा लिखा हुआ था। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहला काम है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे आसानी से बनाना है तो सबसे पहला काम है कि रेशियो को हम भिन्न के रूप में देखते नहीं है, हर हालत में इसके हर के एलसीएम से सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे हम लोग का एक संस्कार दिया गया था, दादा दादी बताया करते थे कि यदि कोई गेस्ट सबसे घर आए तो सबसे पहले उसको बैठने के लिए कहना चाहिए, हाँ या ना। आज के लोग भले पूछ लेते हैं क्या बात है, कौन है, पापा नहीं है, जाइए, होता है या नहीं। लेकिन नियमता हम लोग के गांव में दादा दादी सिखाए थे कि यदि कोई घर पे आए कुछ कहने के लिए तो सबसे पहले उसे बैठने के लिए कहना चाहिए, है ना, उसके बाद बातें कुछ की जाती है। तो ये हमारा विद्यार्थी जी गेस्ट है, देखिए मुंह पे खड़ा है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो बैठाने के लिए कोई कुर्सी उर्सी देंगे, टेबल कुछ, कुर्सी पीढ़ा कुछ देंगे तब ना भाई जी। तो कुर्सी कैसा होना चाहिए जिसपे ये एडजस्ट कर जाए। तो 6/5/3 से कटने वाली राशि जल्दी बोलिए, 30 से गुना करिएगा 10 बार में कटेगा 20, 30 से गुना करिएगा 6 बार में 24, 30 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो उसके हर के एलसीएम से क्या करेंगे, गुना। आपने पढ़ा था किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो यहां गुना करना है किससे,
तो इसके हर के एलसीएम से, एलसीएम का मतलब है इन सबों से कटने वाली राशि से। अब ध्यान दीजिए, कहीं भी जोड़ना घटाना रहेगा तो इसको जोड़ने घटाने, इसको जोड़ने घटाने में टाइम का बहुत अंतर होगा। मैं बोलूंगा इन दोनों का जोग, अब जोड़ने में एक टाइम ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जोग बोलेंगे डायरेक्ट, तुरंत बोलिएगा 44 आया ना, इन दोनों का अंतर तुरंत बोलिएगा, जबकि इन दोनों का अंतर बोलने में देर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है उसके हर कैल्शियम से क्या करना है, गुना। कहा जाता है कि मैथ में अगर स्पीड बढ़ानी है तो दो चीजों से बचने का उपाय केवल ढूंढ लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और दूसरा भिन्न से। अगर फ्रैक्शन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का उपाय निकाल लिए, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यही दोनों जो है ब्रेकर का काम करता है। रोड पे चलते हैं ना तो ब्रेकर मिलता है कि नहीं, तो यहीं पे यह स्पीड घटा देता है, है ना। कौन घटाता है भाई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन घटाएगा और दूसरा घटाएगा आपका फ्रैक्शन। तो इन दोनों से बचने का उपाय हमेशा होना चाहिए। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है उसके हर के एलसीएम से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, याद रह जाएगा। चलिए बढ़ा दे आगे, नोट नंबर 5। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, बराबर के रूप में दिया रहे, तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए गुणांक ब्रैकेट में लिख देते, इंग्लिश होता है कोफिशियंट को व्युत्कर्म, इनवर्स होता है इंग्लिश व्युत्कर्म के रूप में लिख ले। जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके कोफिशियंट को व्युत्कर्म के रूप में लिख लेंगे, इनवर्स के रूप में लिख लेंगे, लिख लिए। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स का हिंदी होता है उल्टा भी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश हिंदी में तो उल्टा याद रखते हैं हम लोग, नहीं मैथ में उल्टा याद रखने की जरूरत नहीं है। उल्टा का मतलब होता है विद्यार्थी जी, व्युत्कर्म का मतलब होता है हर वाले अंश में, अंश वाले हर में, यानी दो का उल्टा हो जाएगा एक बटा दो, पांच का उल्टा हो जाएगा एक बटा पांच, दो बटा तीन का उल्टा होगा तीन बटा दो, चार का उल्टा हो जाएगा एक बटा चार, एक बटा सात का उल्टा हो जाएगा सात बटा एक, यानी उलटने का मतलब नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। जो आप लोग पढ़े होंगे ध्यान दीजिएगा, 9th-10th में लिखते थे टेन इनवर्स, इनवर्स का मतलब उधर जाता होगा, तो वन बटा टेन थीटा लिखते थे कि नहीं, तो वही चीजें है विद्यार्थी जी कि व्युत्कर्म का मतलब होता है उल्टा, व्युत्कर्म का मतलब उल्टा। तो जैसे कहीं लिखा रहे ध्यान दीजिएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमें अनुपात प्रकट करने के बेस्ट तरीके हैं वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बी सी का रेशियो लिखने के तरीके होगा, दो का उल्टा जल्दी बोलिए एक बटा दो, तीन का उल्टा और चार का उल्टा। अब जैसा ही अनुपात भिन्न के रूप में आया तो जल्द से जल्द हर कैल्शियम से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो हर कैल्शियम जल्दी बोलिए 12 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 4, 3, हा या ना। अर्थात जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उसके कोफिशियंट को क्या करेंगे,
इन वर्ष में कर लेंगे। तो दो का उल्टा विद्यार्थी जी एक बटा दो, तीन का उल्टा एक बटा तीन, चार का उल्टा एक बटा चार, क्या आपको लिखने आ जाएगा? नहीं बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी लिख रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया हो तो पढ़ा दें। लिखा गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, एक काम हम 5 साल पहले इसी तरह से किया करते थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज आ गई कि हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मैंने आप लोगों का तीनों पार्ट को बराबर ही नहीं करना है, इन तीनों पार्ट को क्या करना है, तो आप जल्दी से देखिए, 2, 3, 4 से कटने वाली राशि कितना होता है? 12 लाने के लिए यहाँ ए का मान कितना रखें कि 12 हो जाए? 6। बी का मान क्या रखें कि 12 हो जाए? 4। सी का मान क्या रखें कि 12 हो जाए? देखिए तो यही आंसर आया था, तो काहे के लिए उलटने में टाइम नष्ट करिएगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बराबर ही ना करना है। पर पूछेगा ऐसे क्यों कर देते हैं, तब बोलिएगा मुझे तीनों पार्ट को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए एबीसी का वैल्यू ऐसा रखे कि तीनों आपस में क्या हो जाए। तो बराबर करने के लिए 2, 3, 4 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 12 लाने के लिए यहाँ 4। 12 लाने के लिए यहाँ 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट बोलिएगा, नटने की तरीके नहीं है, बन जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, लिखिएगा। लिखा हुआ था विद्यार्थी जी 15A बराबर 12B बराबर 20C बराबर 30D। तो मुझसे पूछा गया विद्यार्थी जी, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा आप लोग। 15A, 12B, 20C, 30D। तो आप लोग 12, 15, 20, 30 से कटने वाली राशि 60 आ गया समझ में। अगर गलती से दिमाग में 120 भी आ गया ना, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, कटने वाला होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ते रहिएगा कि गलती ना हो जाए, जो आ जाए आंसर कट के वही आ जाएगा। तो 12, 15, 20, 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए विद्यार्थी जी 4, 5, 3, 2, क्या आप लोग को रेशियो लिखने आ गया? आंसर हो जाएगा 4, 5, 3, 2। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो, तो अनुपात प्रकट करने में ज्यादा देर नहीं ना लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा विद्यार्थी जी, एक जगह लिखा हुआ था 2A बराबर 3B, तो आप लोग A और B का रेशियो, तो आप यही सोचिएगा 2 और 3 से कटने वाली राशि नहीं, यहाँ ही सोचने की जरूरत नहीं दो गो के लिए, जब दो ही गो है ये है तो लटने का मत है ए वाला बी के लिए, बी वाला नहीं हो जाएगा। जब दो ही राशि रहे तो लटने का मतलब सोचते मत रहिए ए वाले बी के लिए, बी वाले 3 गो 4 गो रहेगा तब सोचना है। क्या एग्री है? बोल नहीं रहे आप लोग। तो चलिए, कहीं लिखा हुआ था विद्यार्थी जी 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/3, 4c, तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी बताइए। तो आप लोग पढ़े हैं ना, उलट देना है, 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? चलिए, यहाँ ए का मान 2 रखिएगा कट के आ जाएगा 1, यहाँ बी का मान 3 रखिएगा कट के आ जाएगा 1, सी का मान 4 रखिएगा कट के आ जाएगा 1। तो 1, 1, 1 बराबर हुआ कि नहीं? बराबर ही ना करना है, तो अब रुकिए समझिएगा। बराबर करने की तरीके है विद्यार्थी जी, ऊपर वाले को केवल सोचो, 1, 1, 1 से कटने वाली राशि कितना? 1। अब 1 लाना है, यहाँ कितना रखे कि 1 आ जाएगा? 2। यहाँ कितना रखें कि 1 आ जाएगा? 3। यहाँ कितना रखें कि 1 आ जाएगा? अब समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया?
तो ऐसे भी याद रखता है कि उल्टा ही तो होता है, एक बटा दो का उल्टा दो, एक बटा तीन का उल्टा तीन, एक बटा चार का उल्टा चार। आशा करें समझ में आ गया, लिखते जा रहे हैं ना एग्जाम्पल। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ था एक जगह विद्यार्थी जी, टू बाई थ्री ए, थ्री बाई फोर बी, सिक्स बाई फाइव सी। तो मुझसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप सीखिएगा जल्दीबाजी के लिए, ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं पूछूं दो तीन छह से कटने वाली राशि छह कितना, तो छह लाने के लिए इसको कैसे गुना, तीन से आ तीन उलट के ऊपर जाएगा तो तीन दिया। आप विश्वास से देखिएगा, एक का मान नौ रख के देखिए छह आ जाएगा, एक का मान मनी मन रखिए नौ छह आया। फिर से छह लाने के लिए कैसे गुना, दो और चार ऊपर उलट जाएगा, चार दो नहीं देखिए तो आठ रख के देखिए छह आ जाएगा, आ रहा है। यहां छह लाने के लिए कैसे गुना, एक से पांच उलट के ऊपर, यानी जल्दी बोलिए, मान रख के देख लीजिए सब बराबर ही आएगा। नौ रखिएगा यहां भी छह, आठ रखिएगा यहां भी छह, पांच रखिएगा यहां भी। तो इतना सोचना नहीं, डायरेक्ट ध्यान क्या रखना है कि दो तीन छह से कटने वाली राशि छह, दो तीन छह से कटने वाली राशि छह। तो छह लाने के लिए विद्यार्थी जी तीन से गुना, तीन ऊपर हो जाएगा, तीन तिया नौ। छह लाने के लिए दो से गुना, चार ऊपर हो जाएगा, चार दुनी आठ। छह लाने के लिए एक से गुना, पांच ऊपर हो जाएगा, नहीं जल्दी बोलिए पांच। क्या आपको रेशियो लिखने आ जाएगा, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, तो चलिए एक और लिखता हूं, केयर कीजिएगा। थ्री बाई फाइव ए, फोर बटा सेवन बी, सिक्स बटा इलेवन सी। तो आप लोगों से मैंने पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। सीखिएगा तीन चार छह से कटने वाली राशि, मैंने बोला थ्री फोर सिक्स से कटने वाली राशि ट्वेल्व, ट्वेल्व लाने के लिए चार से गुनाना, अब पांच ऊपर हो जाएगा, चार पचे बीस, तीन से गुना सात ऊपर हो जाएगा इक्कीस, बारह लाने के लिए दो से गुना ग्यारह ऊपर हो जाएगा ग्यारह दुनी, यानी रेशियो हो जाएगा बीस इक्कीस बाईस। क्या आंसर देने आ जाएगा, तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने में ज्यादा टाइम नहीं ना लीजिएगा, नहीं बोल रहे हैं। चलिए एक और लिखता हूं, लिखिएगा ए का 20% लिखा था, बी का 30% और लिखा हुआ था सी का 60% आपस में बराबर। 20% ऑफ ए, 30% ऑफ बी, 60% ऑफ सी आर इक्वल। तो बताना हम लोग को विद्यार्थी जी ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा, बराबर ही ना है,
तो आप डर क्यों रहे? परसेंटेज तो सब में है, परसेंटेज तो कट ही जाएगा, जीरो आपका कट ही जाएगा। तो आप जल्द से जल्द सोचिए, 2, 3, 6 से कटने वाली राशि, 6 लाने के लिए विद्यार्थी जी यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, अर्थात आंसर 3, 2, 1 बोल सकते हैं आप लोग। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने की तरीके कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट नोट नंबर कितना 6। शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ, शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ अंतर होता है। एकदम छोटी छोटी बातें मैं बता के जा रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरत आपको मैथ में पड़ेगा ही नहीं। जो दिमाग में आ जाती है ना, क्या मेरा मैथ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एकदम बेसिक बातें से चलता हूं। क्या हम लिखे अधिक अथवा कम का मतलब अंतर होता है। तो जहां कहीं भी ध्यान दीजिएगा, पूछिएगा कितना अधिक है तो भी समझिएगा कि बड़का में से छोटका को घटा दे, कितना कम है तब भी बड़ा में से छोटा को घटा दे। जैसे मैंने बोला कि 60 रुपया 40 रुपया से कितना अधिक है, 20। मैंने बोला 40 रुपया 60 रुपया से कितना कम है, 20। तो कम पूछे या अधिक पूछे, मतलब क्या करना है, बड़ा में से छोटा को। और अंतर जब भी होता है विद्यार्थी जी, तो 2 या 2 ग्रुप के बीच होता है, 3 के बीच कभी पूछने वाला नहीं है। आप 3 मित्र हैं ABC, मैंने बोला ABC के आयु में अंतर बताइए, तो एक आंसर होगा कभी, ए और बी का अंतर कुछ और होगा, बी और सी का अंतर कुछ और होगा, सी और ए का अंतर कुछ, तो एक आंसर तो फिर होने वाला नहीं है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक आंसर के लिए, तो ध्यान दीजिए अंतर जब भी होगा तो कितने के बीच होगा, 2 के बीच। तो कम या अधिक पूछा मतलब 2 के बीच पूछेगा, कम या अधिक पूछेगा मतलब किसके बीच पूछेगा, 2 बंदे या 2 ग्रुप के बीच पूछेगा, 2 बंदे या 2 ग्रुप। जैसे पूछ दे कि ए और बी का कुल आय सी से कितना कम है, मतलब ए और बी एक साथ और सी एक साथ, और कम पूछे या अधिक पूछे, सीधी सी बात है, बड़ा में से छोटा को घटा देना, याद रह जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से पूछा -3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का नहीं विद्यार्थी जी, मैंने कहा 5 जो है -3 से कितना अधिक है, या मैं पूछ दिया -3 5 से कितना कम है, या पूछ दिया इन दोनों का अंतर क्या है, ये तीनों का आंसर एक ही होता है, बड़ा में से छोटा को घटा देना। तो माइनस माइनस आंसर कितना, ये सब जानते हैं ना भाई। तो मैंने आप लोगों से कहा कि कम या अधिक का मतलब अंतर तो होता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस रहेगा तो अंतर में जुटेगा, एक लाभ एक हानि रहेगा अंतर में जुटेगा, एक वृद्धि एक कमी रहेगा अंतर में जुटेगा, एक पूर्व एक बाद रहेगा अंतर में जुटेगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा 5% लाभ और 6% हानि में अंतर होगा 11% का, 10% कमी और 5% वृद्धि में अंतर हो जाएगा 15% का, आपके 5 वर्ष पूर्व की आयु और 10 वर्ष बाद की आयु में अंतर हो जाएगा 15 का। मेरी बात समझ में आ गया? लेकिन दोनों प्लस दोनों माइनस दोनों लाभ दोनों हानि रहेगा तो अंतर में घटेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो कम या अधिक का मतलब क्या होगा, अंतर। तो 3 चीजें, कम पूछे या अधिक पूछे या अंतर पूछे, तीनों का आंसर होगा बड़ा में से छोटा को घटा देना। और घटाने में भी ध्यान रखना है कि दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो घटेगा, लेकिन अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। अपोजिट का मतलब चिन्ह है ना, 5% हानि और 10% लाभ, अंतर हो जाएगा 15 का। सही है, यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट। कितना हो गया नोट नंबर कितना, 6 हो गया।
अब विद्यार्थी जी तीन नोट्स और बच गए, तीनों जो है आपका इंपॉर्टेंट नोट्स बच गया, तीनों जो बच गया क्या हो गया इंपॉर्टेंट। इस पे कल बातें करेंगे, क्लास कल भर मत छोड़िएगा, अभी रुकिए होमवर्क भी मिलना चाहिए, बिना होमवर्क के काम नहीं चलता, ध्यान दीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं पढ़ा दिया मेरा काम खत्म, मेरा उद्देश्य होता है आपके एग्जामिनेशन हॉल तक मैं साथ रहूं, जब आप निकले तो बोलें यार पढ़ाया अच्छा था, सारे क्वेश्चन बन गए। लड़ तो जाएगा लेकिन लड़ने से फायदे नहीं है, बन भी जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं माथा नोच जाते हैं, लगता है बतेवे कि खेल ध्यान ही नहीं कैसे हो ले, तो क्या क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां से पढ़ के तो जाते हैं और घर पे प्रैक्टिस। देखो जितना पढ़ो उससे ज्यादा आपको होमवर्क बनाना है, और जितना होमवर्क बनाए उससे ज्यादा आपको दूर आना है, और जितना दूर आते हैं उससे ज्यादा आपको टेस्ट देना है। ये प्रक्रिया होती है, रिजल्ट लेने की प्रक्रिया। पढ़ो काम उससे ज्यादा होमवर्क, होमवर्क का मुझसे ज्यादा दोहराने की आदत, मतलब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे पीछे से नंबर सिस्टम दोहराते आना चाहिए, है ना, और जितना दोहरा रहे हैं उससे ज्यादा टेस्ट में भी आना चाहिए, मतलब अगर टेस्ट है तो टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई, तो पहले होमवर्क दे दें आप लोग को, तो किताबें आप ऊपर से ले लीजिएगा, होमवर्क लिखिएगा विद्यार्थी जी। हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, हल्ला बहुत करते हैं आप लोग। लिखा होगा टाइप टू करके लिखा होगा जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर हो, टाइप टू लिखिएगा होमवर्क में पूरा। पेज नंबर इसमें है विद्यार्थी जी 158, पुरानी किताबें भूल जाइए, पुराना सेट चलेगा, किताब नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मोबाइल चेंज होता है, जब से ऑनलाइन एग्जाम आई विद्यार्थी जी, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो मान लीजिए एसएससी का सीजीएल का एग्जाम होता था तो मैक्सिमम 4 शिफ्ट होता था, ऐसे 2 शिफ्ट में ही काम चल जाता, यानी क्वेश्चन कितने बनते थे 4 तरीके का। अब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीजीएल की एग्जाम चलती है 24 शिफ्ट में, 36 शिफ्ट तक चल गई है, तो 36 शिफ्ट का मतलब 3600 शिफ्ट का क्वेश्चन एक के तो नहीं रहेगा, तो लेवल एक ही रखना है लेकिन क्वेश्चन क्या करना है चेंज करना है। इसका मतलब क्वेश्चन चेंज करने जो कि दो तरीके हैं, बड़ा स्पीड से चेंज होता होगा, तो इतने स्पीड से चेंज होते हैं तो आपको ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमेशा नई बनाना होगा, क्या बनाना होगा नया, 5 साल पुराना वाले गया और अभी भी दोहराना है तो मात्र ध्यान दीजिएगा जब से ऑनलाइन एग्जाम हुई है तभी से प्रीवियस ईयर बनाइए, पीछे वाला 2001 का 2015 वाला बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आपका पेज नंबर लिखा हुआ है विद्यार्थी जी 158, कितना लिखा हुआ 158, टाइप लिखा हुआ है 2, और बीच नीचे लिखा होगा दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो, दो या दो से अधिक राशि आपस में बना लीजिएगा, तो बाकी बातें कल, लेकिन थोड़ा और टाइम पे आने का प्रयास कीजिए, ज्यादा मजा आएगा।